हेलो गाइस। तो एक्चुअली मैं फिजियोनेट का डेटा में काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि जो हम लोग जो विंडोज यूजर है उसमें क्या होता है कि ये जो फाइल्स वगैरह है इसको काम करने के लिए सीएसबी में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि मैं तो विंडोज यूजर हूँ, तो यहाँ पे हम लोग को अगर मैं लिनक्स यूजर होता तो मैं क्या कर सकता था कि एक जो एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, WFDB सॉफ्टवेयर पैकेज है, तो आप यहाँ से फिजियोनेट में जाके, यहाँ सॉफ्टवेयर में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं WDB सॉफ्टवेयर पैकेज करके। तो ये आप मतलब अगर आप लिनक्स यूजर होते तो यहाँ से आप कर सकते थे। CSP में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन फॉलो करके, आप कमांड टर्मिनल से आप इंस्टॉल करके, आप कमांड चला के WFDB RD सेंड करके, कमांड है वही कमांड यूज करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं CSP में। लेकिन हम लोग जो विंडोज यूजर है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम लोगों को कि ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें नहीं चलता है, विंडोज में नहीं चलता है। मैंने क्या नाम था मैं भूल गया हूँ, साइजविन करके शायद ऐसा ही नाम था, साइजिन साइजिन। हाँ, ये सॉफ्टवेयर यूज करके भी यूज कर मतलब जैसे ये क्या करता है, लिनक्स का जितना भी छोटा छोटा प्रोग्राम वगैरह है, सॉफ्टवेयर वगैरह है, हम लोग ये इसकी मदद से हम लोग कर सकते। लेकिन मैं यहाँ से भी यहाँ से भी हम वहाँ कमांड प्रॉम्प्ट से यहाँ लिनक्स का जो भी फीचर से वो थोड़ा यहाँ से चला सकते थे, लेकिन क्या हो रहा था इसमें भी इंस्टॉल नहीं हो रहा था। तो मैंने एक छोटा सा पाइथन का प्रोग्राम लिखा है, ये छोटा सा पाइथन का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या करता है कि आपका जो फाइल है, ठीक है, फिजियोनेट का जो फाइल है लेता है और इसको लेता है और उसके बाद CSP में कन्वर्ट करता है। तो आप लोग को ये प्रोग्राम सबसे मैं पहले पहले मैं बता देता हूँ कि ये प्रोग्राम रन करने के लिए आपको दो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, WFDB पैकेज, उसके बाद पांडास। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फर्स्ट आपके पास अगर आपके पास पिप इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, पिप क्या है कि पाइथन का जो पैकेज है वो इंस्टॉल करने में मदद करता है। तो आप सबसे पहले अगर आपके पास पिप ने पिप पैकेज नहीं है तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद यहाँ चला दीजिए, ठीक है। तो मेरे पास तो ऑलरेडी है, मैंने इंस्टॉल कर लिया, इसीलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई करके लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद मेन आपको पाइथन तो होना चाहिए सबसे पहले, तो ठीक है, पाइथन इंस्टॉल करना होगा। पाइथन या आप यहाँ से पाइथन लिख के आप सीधा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड्स में जाके यहाँ पे एक इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो पिप इंस्टॉल करना होगा सबसे पहले, उसके बाद पांडास, ठीक है, पांडास इंस्टॉल करना होगा आपको। पांडास भी एक लाइब्रेरी है, ठीक, उसके बाद WFDB, ठीक है, मेन इंपोर्ट है ये है, ये आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कौन से वो है कमेंट है कि आपको कैसे इंस्टॉल करना होगा, ठीक है, यहाँ से आपको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद टर्मिनल में जाके आप यहाँ से पेस्ट करके इंस्टॉल कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है तो मुझे रन करने का जरूरत नहीं, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई दिखा रहा है, ठीक। तो आप क्या क्या होना चाहिए, पिप इंस्टॉल करना होगा पहले, ठीक है, ये पाइथन पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, उसके बाद पांडास, उसके बाद WFDB पैकेज, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे MIT का MIT BIS का नॉर्मल साइनस रिदम डेटाबेस डाउनलोड किया है, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया है, इसका फाइल
समथिंग 582, हाँ 582 MB का है, तो आपको ये जिप फाइल में मिलेगा। उसके बाद आप वो कर लीजिए, इसको अनजिप कर लीजिए। उसके बाद मैंने वीएस कोड यूज़ किया है, वीएस कोड में वो फोल्डर खोल लीजिए यहाँ से, ठीक है, और फोल्डर यहाँ ओपन फोल्डर में जाकर आप ये सेलेक्ट करके खोल लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आप खोलेंगे तो मैंने अभी वो प्रोग्राम जो मैंने लिखा था, ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने मेरे पास यहाँ पे मैंने वही फोल्डर पे मैंने कॉपी करके रखा है। तो क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले WMDB पैकेज आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद पांडाज इंपोर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो फाइल है, जैसे मैं एक फाइल अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये ऑलरेडी मैंने पहले किया था, 16265 16272 16272 16272। ये क्या करता है, RD, ये WB RD SAM फंक्शन क्या करता है, ये लोड करता है रिकॉर्ड को, ठीक है। उसके बाद टपल रिटर्न करता है कंटेनिंग टू एलिमेंट्स, ठीक है। और फर्स्ट एलिमेंट, टपल का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, टू डायमेंशनल नंपाई एरे होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट जो होता है डिक्शनरी होता है, जो जो मेटा डेटा होता है, ठीक है, सिग्नल का मेटा डेटा होता है, जैसे कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, सिग्नल रेट, यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से आपको फाइल नेम देना है, ठीक है, ये लगा के ये फंक्शन RDSAM फंक्शन कॉल करके फाइल नेम देना है, ठीक है, जैसे मैंने अभी दिया है 16272, तो फाइल नेम देना है, ठीक है। उसके बाद फाइल नेम देके क्या करना है, पांडास का डेटा फ्रेम में स्टोर करना है, ठीक है। और ये पांडास का डेटा फ्रेम में स्टोर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, TCSV फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। और आपका जो डिजायर आउटपुट फाइल नेम है df. ये पांडास डेटा फ्रेम, ये जो मैंने पांडास डेटा फ्रेम वो किया था, जहाँ पे रखा था, वो वही TCSV फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। जो पांडास का फंक्शन है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना आउटपुट फाइल नेम दूंगा, ठीक है, जैसे मैं यही फाइल नेम रखता हूँ ताकि मुझे आसानी हो, 16272, ताकि आसानी हो कि कौन सा फाइल मैंने CSV में कन्वर्ट किया था, तो 16272, ठीक है, मैंने अपना वो दे दिया है, फाइल नेम दे दिया है। उसके बाद फाइल का आउटपुट नेम भी दे दिया है। इसके बाद इंडेक्स फॉल्स दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ मैं ये बता देता हूँ, कि क्या करता है, स्पेसिफाई करता है एक्सक्लूड करने के लिए रो इंडेक्स, ठीक है, CSV फ्रॉम द CSV आउट, ठीक है। उसके बाद मैं रन करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये कोड दे दूंगा कमेंट, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैं ये कोड दे दूंगा, ठीक है। आप यही कोड जब भी CSV कन्वर्ट करेंगे ये खोल के वो कर सकते हैं, यही कोड की मदद से CSV में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी मैं रन करूँगा, देखते हैं। कन्वर्ट हो रहा है, अच्छा देखिए, तो ये क्या हो गया, जो हम लोग का फाइल था, हम लोग को काम करने के लिए तो CSV में चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया, जो फाइल था 16272, ये हम लोग क्या क्या सक्सेसफुली CSV में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। आप खोल के देखते, टाइम लग रहा है क्योंकि डेटा थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ECG1 ECG2 एक कन्वर्जन हो गया, ठीक है, आप डेटा में काम कर सकते हैं।
ठीक है आपको, मतलब हम लोग करते हैं ना कि ड्यूअल बूट कर लेते कभी कभी, या फिर वर्चुअल बॉक्स में चला लेते हैं। ठीक है, आप विंडोज में भी ये डेटा पे काम कर सकते हैं। ठीक है, फिजियोनेट का डेटा सेट। ठीक है, थैंक यू।